डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज केजरीवाल जी एक योजना लेके आए कि सरकार से कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, सरकार से कोई डॉक्यूमेंट लेना हो तो लोगों को सरकारी दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़े, एसडीएम के दफ्तर के, पटवारी के, ट्रांसपोर्ट दफ्तर के, इन सब के धक्के ना, इंस्पेक्टरों के धक्के ना खाने पड़े, बल्कि आम आदमी घर पे बैठा हुआ सरकार को फोन करे और सरकार का आदमी लोगों के घर पे आए और वो लोगों का घर पे आके काम करके जाएगा। ये मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। इनकी केंद्र में सरकार है, इनकी राज्यों में सरकार है, कहीं लगा देते इस मॉडल को, कहीं ट्राई करते इस तरह का मॉडल, आपको समझ में नहीं आ रहा तो दिल्ली से मॉडल उठा के लगा देते, वो नहीं करेंगे। ये करेंगे कि ये मॉडल कैसे फेल हो जाए, दिल्ली के लोगों को भी ये सर्विसेज का फायदा ना मिले। आज पूरे देश में इस बात पे चर्चा हो रही है कि मोदी जी का विकल्प कौन, मोदी जी का मॉडल तो फेल होता जा रहा है, मोदी जी का विकल्प ढूंढने लगे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात होने लगी है भाई मोदी जी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल जी बेहतर लीडर हो सकते हैं देश के लिए, उनका गवर्नेंस का मॉडल देश के लिए बेहतर गवर्नेंस मॉडल हो सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से काम करते रहे तो धीरे धीरे एक दिन वो देश के ऐसे लोकप्रिय नेता बन जाएंगे जिनके बारे में लोग कहते हैं भाई ये तो काम करता है, ये जो कहता है वो करके दिखाता है, जुमला नहीं बोलता। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अच्छे काम को समर्थन करना चाहिए, अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए और चाहिए कि बाकी राज्यों में भी वो काम हो सके, पूरे देश की जनता को किसी अच्छे मॉडल का फायदा मिले। इसकी जगह नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी लकीर खींचने के लिए हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि लकीर को मिटाया नहीं जाता, लकीर को छोटा करने के लिए उसके सामने बड़ी लकीर खींची जाती है। आप लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत करिए, ये अच्छी राजनीति नहीं है, नेगेटिव राजनीति है और ये आपको शोभा नहीं देगा। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कल जो बिल पास किया है वो बेसिकली ये दिखाता है कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, उनके काम को लेकर किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही है। आज देश में लोग बात करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के विकल्प में हो सकते हैं। लोग बात करने लगे हैं कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है, देश के लोगों के लिए काम कर सकता है। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली में खूब काम हुए हैं और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली कह रही है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है, स्टडी की जा रही है कि दिल्ली में क्या काम हुए, कैसे हुए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम कर लिए गए। जिन कामों के बारे में सोचा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती, वो काम सफलतापूर्वक कर लिए गए। आज दिल्ली के स्कूल सिस्टम की चर्चा हो रही है, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे कॉम्पिटिशन में जाने लगे। आज दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, कोविड मैनेजमेंट शानदार रहा इन अस्पतालों की वजह से, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की वजह से, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही हैं। आज दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटे मिलने लगी है, भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं हो रहा कहीं भी। आज दिल्ली में पानी का स्तर सुधर गया, टैंकर माफिया खत्म हो गया, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, पीने का साफ पानी फ्री मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ये कहीं नहीं हो रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बेचैन हो गए, असुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि केजरीवाल जी की इस राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल नहीं है। इनकी जहां जहां सरकारें पूरे देश में, इनको केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी कई राज्यों में सरकार है, पूरे देश में कहीं भी कोई मोदी मॉडल की बात नहीं करता। आज पूरे देश में कहीं कोई बीजेपी मॉडल की बात नहीं करता। लोग पूछते हैं कि भाई जब दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जहां बिजली बनती तक नहीं है, संसाधन नहीं है बिजली बनाने के, वहां अगर बिजली 24 घंटे मिल सकती है और दो तिहाई आबादी को बिजली फ्री मिल सकती है, तो
तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वो राज्य जहां संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, वहां बिजली सस्ती क्यों नहीं मिल सकती, वहां 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकती? अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूलों में इतना काम कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई सी स्कूल में काम क्यों नहीं किया? इन्होंने कोई शिक्षा का मॉडल खड़ा क्यों नहीं किया, केंद्र में या राज्य में, किसी भी राज्य में खड़ा करते? आज लोग इस बात को लेकर सवाल पूछने लगे। अगर 24 घंटे यहां पे दिल्ली में पानी साफ आ सकता है, जबकि दिल्ली का अपना पानी नहीं है, लोगों को पानी मिल सकता है दिल्ली में, तो बाकी राज्यों में पीने का पानी ढंग में क्यों नहीं मिल पा रहा, फ्री क्यों नहीं मिल पा रहा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुल मिला के मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं, ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। आज जहां भी जाओ, हमारी तो नई नई पार्टी है, चारों तरफ केजरीवाल मॉडल की डिमांड हो रही है। आप किसी राज्य में चले जाओ, वहां लोग कहते हैं जी काश हमारे यहां भी केजरीवाल जी जैसा कोई मुख्यमंत्री आ जाए। आज चुनाव हो रहे हैं, तो सूरत के चुनाव में आप सबने देखा किस तरह से केजरीवाल जी के मॉडल को जनता ने वहां स्वीकार किया है, किस तरह से आज हिमाचल के गांव-गांव में भी चुनाव हो रहा है तो लोग केजरीवाल जी के नाम पे वोट कर रहे हैं। आज पंचायत चुनाव से लेके नगर निगम चुनाव से लेके लोग राज्यों के चुनाव में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राज्य में चुनाव हो तो हम केजरीवाल जी का मॉडल अपने यहाँ भी लागू करें, हमें भी अच्छी बिजली चाहिए, हमें भी अच्छा पानी चाहिए, हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी अपनी सड़कें अच्छी चाहिए, हमें भी महिलाओं के लिए अच्छी बसें चाहिए, फ्री बसें चाहिए, ये सब लोग केजरीवाल मॉडल की चारों तरफ डिमांड हो रही है। अब जैसे ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर जो विज़न केजरीवाल जी लेके आते हैं वो भी इनके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो केजरीवाल जी का विज़न है गवर्नेंस का, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कहीं टिकते नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक योजना लेके आए कि हम घर घर हर गरीब आदमी को घर घर में राशन पहुंचाएंगे, अब उससे घबरा गए। इनकी भी सारी जगह सरकारें, हर देश भर में राशन कार्ड है, देश भर में राशन बंटता है, लेकिन ये नहीं सोच सकते क्योंकि इनको उसमें चोरी करनी है। इनका मॉडल चोरी का मॉडल है, इनका मॉडल बेईमानी का मॉडल है। ये नहीं सोचेंगे कि आम आदमी को, जिसके पास गरीब आदमी है, उसके पास राशन कार्ड है, उसको राशन लेने दुकान पर धक्के खाने पड़ते हैं, वो घर में उसके घर में राशन पहुंच जाए। तो अब ये इसमें अड़ंगे लगाने लगे, इन्होंने सोचा इसको रोक दिया जाए। आपको ध्यान होगा कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज केजरीवाल जी एक योजना लेके आए कि सरकार से कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, सरकार से कोई डॉक्यूमेंट लेना हो, तो लोगों को सरकारी दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़े, एसडीएम के दफ्तर के, पटवारी के, ट्रांसपोर्ट दफ्तर के, इन सब के धक्के ना, इंस्पेक्टरों के धक्के ना खाने पड़े, बल्कि आम आदमी घर पे बैठा हुआ सरकार को फ़ोन करे और सरकार का आदमी लोगों के घर पे आए और वो लोगों का घर पे आके काम करके जाएगा। ये मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। इनकी केंद्र में सरकार है, इनकी राज्यों में सरकार है, कहीं लगा देते इस मॉडल को, कहीं ट्राई करते इस तरह का मॉडल, आपको समझ में नहीं आ रहा तो दिल्ली से मॉडल उठा के लगा देते, वो नहीं करेंगे। ये करेंगे कि ये मॉडल कैसे फेल हो जाए, दिल्ली के लोगों को भी ये सर्विसेज का फायदा ना मिले, दिल्ली के लोगों को जो ये सुविधाएं मिल रही हैं। आज पूरे देश में मोदी सरकार कहीं कोई काम नहीं कर पा रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहीं कोई काम नहीं कर पा रही, बस अब ये एक काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी जो काम करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने किए हैं, उसमें अड़ंगा लगा दो, उसको रोक दो किसी तरह से, उसमें लगातार अड़चने लगाते चले जाओ। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना आया हूं कि केजरीवाल जी फाइटर हैं, केजरीवाल जी इनके इन अड़चनों से, इनकी इन तिगड़मों से रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की है पिछले 6 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने की, हर तरह से कोशिश की, लेकिन आज तक रोक नहीं पाए। जितना जोर से इन्होंने रोकने की कोशिश की, उतना जोर से उन्होंने फाइट बैक किया, और आज दिल्ली में आप सब देख रहे हैं कि कितने जबरदस्त काम हुए हैं इनकी तमाम अड़चनों के बाद हुए हैं। जब 6 साल में इतने तमाम अड़चनों के बाद इतने काम हो गए, तो काम तो नहीं रुकेंगे दिल्ली में, ये उनका कमिटमेंट है, काम तो नहीं रुकने देंगे, फाइट चाहे जितने जोर से करनी पड़े। लेकिन
ये भी मुझे जो मूल रूप से बात रखनी है कि आज पूरे देश में इस बात पे चर्चा हो रही है कि मोदी जी का विकल्प कौन है। मोदी जी का मॉडल तो फेल होता जा रहा है, मोदी जी का विकल्प ढूंढने लगे हैं अब लोग। और कहीं ना कहीं ये बात होने लगी है, भाई मोदी जी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल जी बेहतर लीडर हो सकते हैं देश के लिए, उनका गवर्नेंस का मॉडल देश के लिए बेहतर गवर्नेंस मॉडल हो सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से काम करते रहे तो धीरे धीरे एक दिन वो देश के ऐसे लोकप्रिय नेता बन जाएंगे जिनके बारे में लोग कहते हैं भाई ये तो काम करता है, ये जो कहता है वो करके दिखाता है, जुमला नहीं बोलता, ये मैनिफेस्टो में कुछ और लिखे और बात कुछ और करे ऐसे नहीं करते, ये टोकनिज्म नहीं करते कि जी चार लोगों को फ्री बिजली का फायदा दे दिया और उसके बाद में सब इधर उधर हो गई बात। अगर दिल्ली में बिजली फ्री ऐलान करते हैं तो 2/3 आबादी के घर बिजली के बिल जीरो आते हैं, ये बात लोग समझ रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए बस फ्री है तो फिर सबके लिए महिलाओं के लिए बस फ्री है, कि टोकनिज्म में नहीं है कि इस सेगमेंट के लिए उस सेगमेंट के लिए, अमीर गरीब हर महिला के लिए बस फ्री है। तो मैं कह रहा हूं कि इनकी नींद हराम हो गई है इस वजह से, और अच्छे कामों को रोकने के लिए आज मोदी जी नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी को आज देश की तरक्की रोकने के लिए काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो केजरीवाल जी से घबरा गए हैं। उनको दिल्ली की तरक्की रोकनी पड़ रही है, उनको देश की तरक्की रोकने के लिए कानून लाने पड़ रहे हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो कहीं भी अच्छा काम कर सकते हैं, उनके पास तो स्पेस ही स्पेस है, पर वो अच्छे काम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री का ओहदा, प्रधानमंत्री का पद एक तरह से देश में पिता के समान होता है, उनके लिए वो किसी भी राज्य के किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अच्छे काम को समर्थन करना चाहिए, अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए, और चाहिए कि बाकी राज्यों में भी वो काम हो सके, पूरे देश की जनता को किसी अच्छे मॉडल का फायदा मिले। इसकी जगह नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी, लकीर खींचने के लिए हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि लकीर को मिटाया नहीं जाता, लकीर को छोटा करने के लिए उसके सामने बड़ी लकीर खींची जाती है। आप लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत करिए, ये अच्छी राजनीति नहीं है, नेगेटिव राजनीति, और ये आपको शोभा नहीं देता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।